यूपी के बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान चलाया है, जिससे रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर ने मरीजों को बांटने की जगह सरकारी दवाइयां जला दी गईं। वहीं जलाई गई दवाइयों में टीवी रोग, आयरन और अन्य कई गंभीर बीमारियों की जीवन रक्षक दवाइयां शामिल थी। आपको बता दें कि जलाई गई दवाइयां एक्सपायरी डेट भी नहीं थी, क्योंकि उन पर 2020 और 2022 सन अंकित था। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो कोई भी कुछ कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं था। इसकी सूचना दूरभाष से कुछ समय पहले ही मिली है और MOIC साहब जो इंचार्ज हैं वहाँ के, उनसे बात हुई है इस विषय में। और जैसे ही कुछ जांच हो जाती है, कुछ पता लग जाता है कि क्यों ऐसा किया गया है, अगर एक्सपायर्ड नहीं थी दवाइयाँ तो क्यों उसको इस तरह से डिस्पोज किया गया, तो बायो वेस्ट का डिस्पोजल बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसकी जाँच करके तत्काल ही आपको बताया जाएगा।